गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश मौर्या। आज आपको हिंदी काव्यांजलि के अंतर्गत भ्रमर गीत के कुछ पद समझाऊंगा जिन्हें महान संत श्रीमान सुदास जी ने लिखा है। तो उसमें सबसे पहला पद जो समझाने जा रहा भ्रमर गीत का, उसने उदव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अंत में कहे कहे पछताही। अर्थात इसमें ये बताया गया कि संकेत देने पर, संकेत में उदव मोहि अंत में कहे कहे पछताही, तो ये संकेत हो गया। ऐसे आवाज हुआ कि ये संकेत है, इसका इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। अब इसमें व्याख्या के बाद कुछ प्रश्न उत्तर आएंगे जो इसी में लिखे हुए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको समझाएंगे। तो पहले हम इसे पढ़ लें एक बार और उसका व्याख्या, उसका अर्थ जान लें, व्याख्या जान लें, उसके बाद फिर हम आपको इसके प्रश्नोत्तर भी बताएंगे। तो सुने, उदव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कविराज कहते हैं सुदास जी कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उदव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सोता की सुंदर कगरी अरगुंजन की छाही, बैसुर भी बै बच दोहेनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाल नाचत गह गे बाही, ये मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही, जवे सुरत आवत बसु की जे उमगत तन नाही, अनगन भात करी बउली लाज सुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हो ये कह कह पछताही। अब ये काव्यांश था। अब इसमें बताया है, सुने पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के पाठ भ्रमर गीत से लिया गया है। इसका रचयिता महान विद्वान संत श्रीमान सूरदास जी है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में उस समय का वृत्तांत है जब उद्धव जी गोकुल से वापस आते हैं, भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको गोपियाँ बहुत याद करती हैं, गोपियों को आपकी अति याद आती है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भाई उद्धव, मुझे भी उस गोकुल की याद आती है, और गोकुल याद आने के बाद मुझे सब कुछ सुना सुना लगता है। और कहते हैं किस तरह से बताते हैं, तो क्या कहते हैं, अब व्याख्या में आइए। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, हे भाई उद्धव, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के तहेरे भाई थे, अक्रूर जी के पुत्र थे, और वो अपने आप में योग विद्या में बहुत होशियार थे, प्रवीण थे उद्धव जी। तो उद्धव जी ने बताया भगवान कृष्ण को, गोपियाँ आपको बहुत याद करते हैं, ब्रजवासी याद करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भाई, मुझसे भी ब्रज की याद भुलाई नहीं जाती, और हंस सुता की सुंदर कगरी अरगुंजन की छाही, हंस सुता यमुना नदी की जो सुंदर किनारे थे, और वहाँ जो झाड़ियाँ थी, गुंजे थी, बेलें थी, तो उनकी भगवान को याद आती है। कहते हैं, बै सुरमी बै बच दोहेनी खरिक दुहावन जाए, कहते हैं भाई ग्वाल बाल, बै गाय, बै बछड़ों को देखना, गायों को दूहना, गायों को दूहने के लिए जो मटके थे, दोहनी जो थी, उन सब की भगवान कन्हैया को याद आ रही है। वो किस तरह से कहते हैं भगवान के सुंदर से उद्धव जी, कहते हैं कि हे भाई, बेसमस्त गायें, उनके बछड़े, उनको बार बार चरा के लाना, दूहना, ये सब कुछ, और कहते हैं सब कुछ हमें याद आ रहा है, और ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, हम सब ग्वाल बाल साथ में मिलकर खूब शरारतें करते थे, खूब खेलते कूदते थे, और नाचत गई गई बाहें, एक दूसरे की बाहें पड़कर नृत्य भी करते थे, बहुत खुश होते थे वहाँ यमुना के किनारे गोकुल में, ब्रज धाम में। तो ये मथुरा कंचन की नगरी, कहते हैं भाई उद्धव, ये जो मथुरा है ये सोने का नगर है, कंचन की नगरी है, लेकिन फिर भी जब हमें उस, इसमें मोती मणियों की कमी कोई नहीं है। और इसके बाद कहते हैं, ये मथुरा जो है कंचन की नगरी है, सुनहरी नगरी है, सुंदर नगर है, मोती मणियों की कोई इसमें कमी नहीं है, फिर भी जब ही सूरत आवत बासुक की जीवन तन्नाई, जब हमें उस ग्वाल बाल के रूप में जब थे हम यमुना के किनारे ब्रज में गोकुल में, जब हमें वो याद आती है, तो ये सब सुख हमें फीका महसूस होता है, और हम उसी सुख में डूब जाते हैं, और फिर पछताते हैं कि आखिर हम क्यों आए यहाँ पर। और कहते हैं कि
शरीर में शरीर उमड़ जाता है उनका, अर्थात उन्हें लगता है कि हम वहीं पर हैं, उन्हें पुरानी यादें आने लगती है भगवान कन्हैया को। और कहते हैं अनगत भात करी बहुलीला जसुदानंद निभाए, कहते हैं मैंने अनेक वा अनेक तरह से शरारतें की, बहुत लीलाएं की, लेकिन फिर भी माता यशोदानंद राय ने मुझे कितना सहन किया, मेरी शरारतों को नकार दिया, मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, फिर भी मुझे सहन किया, मुझे प्रेम दिया, प्यार दिया। और कहते हैं सूरदास प्रभु रहे मौन होए कह कह पछताएं, तो ऐसे कहते हैं कि ये कह के भगवान श्री कृष्ण शांत जाते हैं, मौन जाते हैं और पछताते हैं, कहते हैं हे उद्धव भाई आखिर मैं मथुरा से मथुरा ब्रज से क्यों आया, मुझे उसु की बहुत याद आ रही है। ये सब कहते कहते भगवान कृष्ण शांत हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। उसके बाद अब सुने इसमें व्याख्या समाप्त हो जाती है, अब उसमें प्रश्न बनता है। व्याख्या के बाद आप ये भी देख लें काव्य सौंदर्य भी देख लें, उसके बाद प्रश्न बताऊंगा। काव्य सौंदर्य हम देखें कि सबसे पहले कला पक्ष भाव पक्ष में है कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के सात्विक भावों की अभिव्यक्ति हुई है, सात्विक भावों की, रस वियोग व विप्रलंब श्रृंगार है। कला पक्ष में भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा शैली मुक्तक काव्य शैली, छंद गेय पद अलंकार विरोधाभास दीप्सा एवं अनुप्रास अलंकार, गुण माधुरी सबशक्ति अविदा एवं व्यंजना। तो अब सुने इसमें रस पे जो श्रृंगार, अब सुने आप प्रश्न इसमें जो आए। पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत काव्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, ये पहला प्रश्न है। प्रस्तुत काव्यांश के पाठ एवं कवि, प्रस्तुत काव्यांश इसका उत्तर जाने, प्रस्तुत पाठ, पाठ का नाम भ्रमर गीत, काव्यांश से लिया गया है, भ्रमर गीत से लिया गया है, और कवि का नाम श्रीमान सूरदास जी, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर दो, प्रस्तुत पद में कौन किससे बात कर रहा है, तो प्रस्तुत पद में कौन किससे बात कर रहा है, दूसरा प्रश्न इसमें उत्तर देखें कि प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में किसे ब्रज की याद आ रही है, प्रश्न नंबर तीन था, प्रस्तुत काव्यांश में किसे ब्रज की याद आ रही, तो उत्तर तीन लिखे, प्रस्तुत काव्यांश में भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है। बस ये काव्यांश आपका हो गया, अब इसके बाद अगले काव्यांश में पुनः आएंगे, तब तक आप इसे मन से याद करें।